हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हॉटस्पॉट दूसरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे 100% सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग या सिस्टम सेटिंग नाम का। इस सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है और आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर, इस पर आपको क्लिक करके मोबाइल के नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, केवल यहाँ पर जितना भी देखिए रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। एक बार चेक करना कि सही हुआ कि नहीं। अगर फिर भी सही नहीं होता है तो आपको यहीं पर आना है। रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली वाला जो ऑप्शन है, रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली या रीसेट ऑल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल के सिस्टम को रीसेट कर देना है। कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा और आपका जो मोबाइल रहेगा बिल्कुल ही 100% सही हो जाएगा। फिर अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, या रिबूट या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। और गाइस, सेटिंग में आने के बाद अगर आपके फ़ोन में एडिशनल सेटिंग नहीं मिल रहा है नीचे, तो ऊपर आप सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे रीसेट, तो यहाँ पर आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली वाला ऑप्शन मिल जाएगा, या रीसेट सिस्टम सेटिंग, आप इस पर क्लिक करके भी यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद हॉटस्पॉट में जाना है। तो यहाँ पर हम हॉटस्पॉट को चालू करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर सबसे पहले आप पासवर्ड चेक कर लेना। पासवर्ड अगर लगा रहेगा तो एक बार सिक्योरिटी पे क्लिक करके पासवर्ड को यहाँ से नन कर देना। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई पासवर्ड यहाँ पर इस प्रकार का है लगा है, तो यहीं पर आकर पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग में सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ से नन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। पासवर्ड हट जाएगा, फिर एक बार वाईफाई से कनेक्ट करके चेक करना 100% कनेक्ट हो जाएगा, या फिर अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।